हेलो दोस्तों, पहल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पहल सर, आज आपके सामने रेलवे एएलपी का 9 अगस्त जो 9 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये 100% राइट है कि ये ही सम आपके आए हुए थे, क्योंकि जिन बच्चों से हमने कांटेक्ट किया उन्होंने हमें बताया और हमें रिटर्न में दिए बच्चों कि ये सम आपके पेपर में आए हुए हैं। कुछ सम हमने छोड़ दिए हैं, तो उन समों का सॉल्यूशन आप हमारे सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। तो आपके सामने रीजनिंग भी, मैथ भी और करंट अफेयर भी और जनरल साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए मूलधन प्रिंसिपल है 1600 रुपए, रेट है 5% वार्षिक समय, टाइम 6 6 ईयर्स। बिल्कुल आसान सम बच्चे, हमारा क्या फार्मूला, हमारा बिल्कुल ऐसा ही पूछा गया। इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट जो कि किसके बराबर होता, पी गुणा आर गुणा टी बाई 100। बिल्कुल आसान, प्रिंसिपल हमारा 1600 गुणा में 5 गुणा में 6 बाई 100, तो ये हो जाएगा बच्चे 16 5 80 8 6 48, 480 रुपए। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी सम था, इसका आंसर 480। तो आप मिला लेना अपना कि आपका ठीक है या गलत है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन बच्चे, एज का हमने टॉपिक डाला हुआ है, आप उसमें आसानी से बिल्कुल सभी अच्छी ट्रिक्स डाली हुई है मैंने, तो उनको आप पहल क्लासेस पर लिंक पर जाकर देख सकते हैं। एज अरुण व दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष के बाद कितनी होगी, 26 वर्ष। तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान बच्चे, ये अरुण की आयु है और ये किसकी है, दीपक की। तो हम अरुण की आयु 4x लेट करते हैं और दीपक की आयु 3x। बिल्कुल आसान, 6 वर्ष के बाद की बात है बच्चे, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद। तो बिल्कुल आसान है, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद जो हमारी अरुण की कितनी आयु होगी, 4x+6 और किसके बराबर बच्चे, 26 के बराबर। बिल्कुल आसान है, तो यहां से हम 6x=26 - 6 कितनी हो जाएगी, 4x=20 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x का मान हमारा 5 आ गया। अरुण की जो वर्तमान आयु 20 वर्ष, पूछी किसकी है बच्चों, दीपक की। तो दीपक की कितनी होगी, 3 गुणा में 5, कितने ईयर्स आ गए बच्चे, 15 साल, 15 ईयर्स। तो ये 15 वर्ष का हो गया, क्योंकि जब हमारा x का मान हमने फाइंड आउट किया है तो ये कौन सी आयु है इनकी, वर्तमान। ये कौन सी आयु बच्चे, तो वर्तमान। वर्तमान में अरुण की आयु 20 वर्ष हो गई और दीपक की आयु 15 साल, तो आपका आंसर 15 है। तो बिल्कुल इजी पॉइंट। उसके बाद बिल्कुल आसान सम, 15376 का वर्गमूल, 15376 का वर्गमूल। वर्गमूल की ट्रिक्स आप हमारे पहल क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक्स का प्रयोग करके हमने वर्गमूल निकालना बताया था। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले दो अंकों को लेंगे बच्चे, इकाई दाई अंक। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्या है, 6। तो 6 कब आता है, जब 4 का स्केयर और 4 का स्केयर करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है बच्चे, 6 आता है। बिल्कुल ध्यान देना। फिर हम लास्ट वाले अंक देखेंगे, ये हमारा 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच की संख्या बच्चे, क्योंकि 12 का स्केयर हमारा 144 और 13 का स्केयर हमारा 169, इनके बीच की संख्या हमारी, ठीक है, 154। तो उसमें से हम छोटा लेते हैं तो ये क्या आएगा, इसका यहाँ 12 आएगा और लास्ट में क्या आएगा, 4। तो ये किसका वर्गमूल है बच्चे, 124 का, कितना है, 124 का। ये भी बिल्कुल आसान है। अब एडवांस, तो एडवांस के हमारे 2 या 3 सम आए हुए थे बच्चे, तो बिल्कुल इजी थे बेसिक एडवांस। तो ये हमारी एक थ्योरम है जिसमें एक ट्रायंगल ली गई है एबीसी, इसमें एडी दी गई है, एई दी गई है और डीबी की वैल्यू और ईसी की वैल्यू, और साथ में दिया गया बच्चे क्या, डीई पैरेलल है बीसी। जब हमारी डी समानांतर किसकी हो, बीसी के, तो हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, एक थ्योरम का प्रयोग करते हैं। वो थ्योरम क्या है, बिल्कुल आसान बच्चे, वो थ्योरम हमारी एडी ये आधी भुजा बटे जो नेक्स्ट आधी है वो डिवाइडेड बराबर है एई बटे ईसी। वैसे इस थ्योरम का नाम बच्चे क्या, थेल्स प्रमेय, क्या बोलते हैं इसको, थेल्स प्रमेय, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, एडवांस का बिल्कुल बेसिकली आया हुआ था हमारा। तो ये आधी भुजा बटे आधी और इसके आधी बटे में आधी, कब, जब ये पैरेलल दी गई हो, यदि पैरेलल नहीं होती तो हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करते बच्चे। तो एडी की वैल्यू यहाँ हमारी कितनी है, ध्यान से देखेंगे, 6/8, एई की वैल्यू बच्चे 12 और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। यहां से हम सीएमपी कर देंगे या कैंसिल आउट करेंगे, 6 × 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 16। क्या आ जाएगी, 16। बिल्कुल ही आसान सम है बच्चों। तो ये हमारे 4 सम थे, 1-2 सम और इसका आया हुआ है, बिल्कुल इजी। तो आज हमारा पहली हमारी ये वीडियो थी, तो नेक्स्ट हमारा सिलेबस आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों
ये मैथ का वीडियो था हमारा और ये हमारे सम 100% यही आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा पहले नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचे हुए सम तथा साथ में रीजनिंग और करंट जीके के जो सम दिए गए थे उसके हिसाब से हम डालेंगे। हम आपको इसका सिलेबस बताते हैं बच्चे, सिलेबस पहले भी बोर्ड ने दे दिया था। इसके अंदर मैथ के जितने सम आए हुए थे, रीजनिंग 25 नंबर के, इसके अंदर कितने नंबर के बच्चे रीजनिंग 25 की, 25 की। उसके साथ हमारा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर हमारे कितने मार्क्स की है बच्चे, 10 मार्क्स की। और साथ में हमारा जर्नल साइंस है, जर्नल साइंस वो कितने का, 20 का। और जो क्वांटिटी जिसमें मैथ वगैरह आता है, एल्टीट्यूड कितने नंबर का बच्चे, ये भी हमारा 20 नंबर का है। तो ये कुल मिलाकर हमारा 20, 30, 40, 60, 70, 75 का आपका पेपर आता था, पता आपको 75 मार्क्स का। तो ये हमारा सिलेबस है, ध्यान रखना। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को देखना न भूले। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक कुछ ही टाइम के बाद मैं इस पहल क्लासेस पर डालूंगा। धन्यवाद।